चैनल शुभ्रा भट्टाचार्य जी। तो आज हम बनाएंगे चिली पिकल, मतलब मिर्ची का अचार। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मिर्ची को इस तरह से धोकर अच्छे से पोंछ लिया है और इस तरह से कट कर लिया है। ये देख सकते हो, ऐसे मैंने सारी मिर्ची को कट कर लिया है। इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं। सबसे पहले इन मसालों को हमें भून लेना है। तो सबसे पहले है जीरा, धनिया, ये है सौंफ, ये है काली वाली राई, और ये है मेथी, और ये है पीले वाली राई। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से कटे हुए अदरक, और ये है थोड़ा सा गुड़। इसको मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के से पेस्ट बनाना है। मैं गर्म करने के बाद उसके बाद ये खड़े मसाले मैं डाल दे रही हूँ। उसके लिए अच्छे से भून लेना है। जब राइस इस तरह से चटकने लगे तब इसका आप पाउडर बना लीजिए। तो गैस हमने सारे मसालों का पाउडर बना लिया है। यहाँ पर अदरक और जैगरी का पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और सारे मिर्च को जो है फ्राई कर लेंगे। मिर्चियों को हमें हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मिर्चियों को हमने हल्का फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ये वाला पेस्ट डाल देंगे, जिंजर का पेस्ट, जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। हम ये पाउडर मसाला डाल देंगे। मैंने यहाँ पे हल्दी, नमक और लिया है कश्मीरी मिर्च। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी पानी हमें ऐड नहीं करना है। और अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। मैंने 6 नींबू का रस लिया है। गैस फिर इसमें हमने डाल दिया है नींबू का रस। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे हमें एक कांच के बर्तन में भर लेना है। आपको याद रखना है कांच के बर्तन में कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अचार को भरने के बाद हमें ऊपर से कच्चा सरसों का तेल पूरा भर भर के डाल देना है। तो गाइस ये देखिए 2 से 4 मिनट में हमारा अच्छे से ये रेडी हो चुका है मिर्ची का अचार। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और टेस्ट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।